कॉलेज स्टार्ट होने की एग्जाम आ गए। ना ही हमें अपनी चिंता होती है और ना ही किसी बात की परवाह होती है। कॉलेज के दिन यूं ही बीते रहे। अनुज के कॉलेज के दिन शुरू के तो बहुत अच्छे गए, लेकिन आगे देखते हैं कि उसकी लाइफ में क्या बदलता है। आगे एक सेमेस्टर एग्जाम आए। बच्चों नेक्स्ट वीक से आपके सेमेस्टर स्टार्ट होने वाले हैं, सभी बच्चे प्रिपेयर कर लें। दोस्तों कॉलेज स्टार्ट होने की एग्जाम आ गए। सकूलों जितना सिलेबस है नदी जितना पढ़ पाते हैं। सकूलों जितना सिलेबस है नदी जितना पढ़ पाते हैं। बाल्टी भर जितना समझ आता है और चुल्लू भर नंबर आते हैं। अरे भाई रुको सही रुको सही, अभी उसमें भी डूब के आप बन जाते हैं। भाई को ना दे दीजिए मेरा क्या बात बोली है। हेलो। हाँ मम्मी। हाँ बेटा कैसा है तू? मैं ठीक हूँ मम्मी, आप ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। और बता तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? मम्मी मेरी कॉलेज की पढ़ाई तो बढ़िया चल रही है, अगले हफ्ते से मेरे सेमेस्टर एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं। तू पढ़ाई ठीक से कर तो रहा है ना? हाँ मम्मी पढ़ाई ठीक से कर रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है फिर मम्मी, अभी मैं चलता हूँ अपने दोस्तों के पास, उनके पास जाकर देखता हूँ उनकी क्या तैयारी है एग्जाम के लिए। ठीक है बेटा, ख्याल रखना और मन लगा के पढ़ाई करना। ठीक है मम्मी बाय। और दोस्तों कैसे हो? भाई हम तो बढ़िया हैं, तू बता तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? यार अगले हफ्ते से सेमेस्टर एग्जाम है और पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। अरे भाई अभी तो तेरी कॉलेज लाइफ शुरू हुई और अभी अभी तू पढ़ाई के बारे में सोच रहा है? यार पढ़ाई भी तो जरूरी है ना। अरे भाई तुझे इतना स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, खुद के पास कुछ है। अरे एक लाया सिगरेट। अरे भाई कुछ नहीं होगा, एक बार ट्राई तो कर। अरे भाई एक बार पी कर। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? पीटी वीटी लाएगा भाई, विश्वास तो कर तेरा पूरा तोड़ना चाहेंगे, मस्त चीज है। अरे आप इतना कह रहे हैं तो एक बार ट्राई कर लेता हूँ, वैसे भी एक बार से क्या ही हो जाएगा। हाँ भाई तू सही कह रहा है, तुझे दो पीनी पड़ेगी ना। चला तो सही भाई, बना बना इसके लिए। अबे ये तो बहुत गले में लग रही है, क्या पिला रहा है? अरे भाई अभी तेरी स्टार्टिंग है ना, देखो जब डेली की आदत हो जाएगी तब तुझे ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए बोलता हूँ रोज पिया कर। अबे कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? अबे भाई पी के तो देख मजा आएगा। तू कह रहा था एक बार और ट्राई कर लेता हूँ। हाँ कर, जिंदगी की मौज लेनी है तो यही लेते रहे। अबे अब तो थोड़ी ठीक लग रही है, अभी तो कह रहा हूँ रोज पिया कर। अच्छा चल ठीक है, मिले पी पी। हाँ भाई गुरु जी आप भी पियो। तुमने बैठे भी शाम को मेरा बर्थडे है, तुझे आना है? अच्छा बिल्कुल बिल्कुल यार। हाँ भाई चले एक सरप्राइज है, बर्थडे मेरा है, सरप्राइज मैं दे रहा हूँ पर तुझे। चल ठीक है फिर शाम को मिलते हैं। हाँ भाई आ जाना। चल ठीक है फिर भाई। ठीक है भाई। हाँ आ गया मैं। आया भी नहीं आया भाई।
नहीं है, तू ले मेरा और मजा आएगा। तो नहीं दिया भाई तुझे मेरा बर्थडे, एक और पीनी पड़ेगी इसी बात पे। चल यार तेरा बर्थडे है तो एक और पीनी लेता हूँ ये बना बना पीनी तो बना उसकी बनाता रहेगा। शुक्र गुरु जी आपको चीज बढ़िया लग रही है ऐसे और बन गया पूरा बड़ा सेट हो गए पूरे। हेलो दोस्तों कैसे हो? बढ़िया भाई तू बता। और भाई कैसा है? भाई मैं तो बढ़िया, रात का हैंगओवर उतर गया यार। कल तुमने ज्यादा ही करवा दी कुछ, मगर आज तो तू उससे ज्यादा परेशान लग रहा है मेरे को यार। मेरा रिजल्ट आ गया और मैं दो सब्जेक्ट में फेल हो गया हूँ फर्स्ट टाइम में। अरे भाई कोई नहीं, हम तो फोर्थ ईयर में है, चार साल से फेल होते आ रहे हैं। चार साल से फेल होते आ रहे हो? हाँ भाई। अच्छा चल मैं तो वैसे भी पहले साल वाला ही हूँ, मुझे काई चीज़ का होती है। वही तो आज के लिए एक और मस्ती आया हूँ मैं। क्या है वो? रेडे भाई इसमें ये क्या होती है भाई? इसमें तेरे को जन्नत और स्वर्ग एक साथ प्राप्त होगी। अच्छा भाई सिगरेट एल्कोहल तक तो ठीक था, पर अब तू ये स्मैक वगैरह ले आया भाई। मैं ये भी एक बार ट्राई कर लेता हूँ। भाई बच्चे वाली बात मत कर यार, तू कॉलेज में आ गया, दूध पीता बच्चा तोड़ रहा है क्या, क्यों बातें कर रहा है? ना ना भाई मैं नहीं ले सकता ये। भाई मेरे एक बात सुन, गुरु जी के आगे कोई बोल सकता है क्या? गुरु जी देखे देख भाई मेरी बात को मान, तेल के पहले भी तो पिलाई, तेरे को कुछ हुआ? वैसे मेरा भला ही चाहोगे तुम तो भाई ऐसी बात क्यों कर रहे हो? गुरु जी अपने को 10 साल का एक्सपीरियंस है इन चीजों में, पता भी है तुझे जो इनसे सवाल लगा रहा है। चल तो लेते कैसे भी ये तो बता, दुख में बना के दिखाता हूँ तेरे को। ठीक है अच्छा बता बता। अरे ये बात तो बतानी भूल ही गया, क्या है बात हो रही हो? इतना तगड़ा नशा चढ़ेगा इससे तेरे को? और भी यार ये तो कम पड़ गई, अभी अभी तो तू मान लाता है एक दिन तक किराया रखी।
ये तो कब पैसे ले भाई, लेके आ जाओ, रुकना यही रुकना। हाँ लेना, कोई दिक्कत नहीं। और अनुज भाई आया नहीं आया मजा उस बैंक में? हाँ चीज तो बढ़िया रहा है। तो भाई गुरु जी को 10 साल का एक्सपीरियंस कौन सी है? ले भाई मैं ले आया, आ जा जल्दी। बना बना भाई, मैंने क्या बोल रहा था, अब तू बनाएगा, चल मैं ही बना देता हूँ। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ले भी तू, तू भी ले भाई। बनाई तो बढ़िया है, मगर तेरे को लाइन सीखने की इतनी नहीं आई, उसे सीख पहले। अभी बच्चे है ना, अभी क्या सीखेगा, अभी अभी तो आया। गुरु जी माफ कर दो उसे। ठीक है ठीक है, तो और बनाओ ना फिर यार। भाई और के लिए तो पैसे नहीं है यार, जितने दे ले आया मैं। ये कोई बात कर रहा पैसों की? अब भाई एक बार तू ही ले पैसे लाके। देख भाई कोई बात नहीं, कहा बात हो जाएगी। नो मनी नो हनी, ऐसी बात होगी मतलब यारी दोस्ती में आज। भाई ऐसा ही है, देख लिया अगर पैसे हैं तो ले आ, ना तो घर को चले जा। चल यार एक काम करता हूँ, 2 मिनट रुक, तब फोन करके मंगवाता हूँ पैसे। ठीक है भाई मंगा ले। हेलो मम्मी। हाँ बेटा बोल। मुझे पैसे भिजवा दो कुछ। बेटा तुझे 2 दिन पहले ही तो मैंने पैसे भेजे थे, अब तू फिर से मांग रहा है। अब बाहर पढ़ाई करने गया हूँ तो पैसा भी जरूरत तो पड़ेगी ना। अब बाहर भी तो तुमने ही भेजा है मुझे पढ़ने के लिए। बेटा हमसे जितना हो पाता है हम तुझे भेज देते हैं, अब तू हर दिन मांगेगा तो कैसे चलेगा? मम्मी आज भिजवा दो बस, आज बहुत जरूरी काम है मेरे को। तू कर क्या रहा इतना पैसों का, पहले ये बता। और तेरा तो रिजल्ट आने वाला था ना। नशा दिमाग में लगाया एक ताव जैसा है। अनुज को खुद भी पता नहीं चला कि कोपो एक एक करके नए नए नशों की जाल में फंसता गया। उसने दोस्ती में कुछ चीजें शुरू की थी लेकिन उसे खुद को समझ में नहीं आया कि वो कब हुआ और कब अपने रिजल्ट की तरफ उसका ध्यान। सावधान निंदा को बुला के लाओ। भूल गया वो पढ़ने के लिए आया था। आइए देखते हैं कि अब क्या होता है। नहीं हालत अब तो पैसे भी नहीं है, अब कहाँ से लाऊंगा मैं स्नैक। एक काम करता हूँ, अरे ये मेरा मोबाइल है तो सही है, इसको भेज देता हूँ, इससे कुछ पैसे आएंगे फिर मैं स्नैक ले लूंगा। हाँ एक काम करता हूँ, यही है ना दासी चौधरी। अरे सुनो ये लो 2000 रुपए, मेरे को दो 2000 रुपए और ये मोबाइल तुम ले लो। अरे ले लो 1500 ही ले लेना लो। अरे ले लो यार 1500 में ले लो। अरे तुम लोग क्या बातें कर रहे हो आपस में? अच्छा ऐसी बात है क्या? मैं तो उससे काफी टाइम से मिला ही नहीं हूँ। चलो ठीक है मैं देखता हूँ, उसके पास जाके मिल के आता हूँ। अरे अनुज, अरे कौन है यहाँ से चले जा। अरे कैसा है भाई? अरे चले जा यहाँ से, मैं नहीं आऊंगा किसी को। अरे बात तो सुन मेरी, एक बात मेरी तू सुन, ये पकड़ मेरा मोबाइल और इसको भेज, और या तो मिल ले स्नैक ले आ, और या भी मिल ले तू कुछ पैसों का इंतजाम करा दे। अरे कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं भाई, मैं नहीं बेच रहा तेरा मोबाइल हो भाई। तू बेचना नहीं बेचता है? मैं नहीं बेच रहा भाई, ना मेरा मोबाइल दे तेरा, तेरा मोबाइल तेरा नहीं दे रहा, बैंक ले रहा मोबाइल। चल खड़ा हो। अबे कहा ले जा रहा मुझे, चल खड़ा हो। निर्णायक मोड़ तब आया जब अनुज नशे की लत में पड़ के अपना सामान बेचने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे पैसे कहाँ से मिले, इसलिए वो नशे के लिए कुछ भी कर रहा था, ना देख रहा था कि सामने वाले से क्या बोलना है और ना सोच रहा था कि वो क्या कर रहा है। इस बीच लेकिन उसे एक दोस्त मिला जिसने उसको संभालने की पूरी कोशिश करी, उसको इन सब चीजों से निकालने में उसकी मदद करी। वो उसे डॉक्टर के पास भी ले गया, उसे दवाइयाँ भी खिलाई और इन सब चीजों से निकालने की पूरी मदद करी। आइए देखते हैं उसके दोस्त ने उसे और किन चीजों की मदद से बाहर निकालने में कोशिश करी।
अबे रिजल्ट क्या है? अरे मैं तो पास हो गया भाई। फाइनली मम्मी, मैं कुछ गलत लोगों की संगति में पढ़कर नशे की ओर चले गया था। मेरा एक दोस्त है ना, इसने मुझे नशे से बाहर निकालने में मेरी मदद करी। हमारे मेरे भाई जैसा है बात कर लिया, हमसे तो घर ले जाने को आए। अच्छा ठीक है फिर मम्मी, अब चलते हैं को। चल ठीक है भाई, मिलते हैं। डॉक्टर ने कहा उसके खून में ड्रग्स की नवट, क्या था कोई इन्हें रोकने वाला? बच्चे शायद गलती में शुरू तो कर देते हैं, लेकिन जो इनके डीलर्स हैं, उन्हें था कोई रोकने वाला? कोई नहीं रोकता उन्हें, हर कोई बस ट्राय करते कि अपना पैसा कैसे रखा जाए। अगर इन्हें कोई रोकने वाला होता, अगर कोई डीलर ही नहीं होता, तो शायद नशा ही नहीं होता, ना ही बच्चा इन सबकी लत में पड़ता। तो आइए